हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है वो आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट का जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है। ये है आपका मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ की मेंटेनेंस करनी चाहिए, और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस किस वजह से हमारे पेंटोग्राफ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में से दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि व्हाट आर द वेरियस मेंटेनेंस वी नीड टू परफॉर्म इन द करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट्स, यानी पैंटोग्राफ सिस्टम जो पूरा आपका है। दूसरा ये कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मेल फंक्शनिंग ऑफ द पैंटोग्राफ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर वन जो आपका बनता है वो बनता है वेरियस मेंटेनेंस जो हम वी नीड टू फॉलो इन करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट, सी सी ई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रीजन्स फॉर द मैल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग मीन्स होता है कि जिसका बिहेवियर गलत तरीके से, खराब तरीके से हो। ठीक है, मैल फंक्शनिंग ऑफ करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, या फिर मैल फंक्शनिंग की जगह पर ये भी आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रॉपर, मतलब जो रिक्वायर्ड है अगर वो फंक्शन ना हो तो उसको भी हम वो मैल फंक्शनिंग बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो मेंटेनेंस है आपका, तो मेंटेनेंस में क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला तो मेंटेनेंस आता है आपका जो कार्बन स्ट्रिप जो सबसे ऊपर में होता है ना, जहाँ से आपका करंट कलेक्टिंग स्टार्ट होता है, जब वो स्ट्रिप आपका कॉन्टेक्ट वायर में टच होता है तो वहाँ से आपका करंट कलेक्शन शुरू होता है। तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले जो क्या है कि जो गैप्स होते हैं आपका कार्बन स्ट्रिप्स के एंड में, है ना, तो उसको आप सुटेबल सीलिंग मटेरियल से फिल कर दीजिए। क्योंकि अगर वो आप फिल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आपका पैंटोग्राफ टच करेगा कॉन्टेक्ट वायर से तो वो वाइब्रेट करेगा वो, है ना, तो उसको प्रॉपर सीलिंग मटेरियल से आपको चारों ओर सील करना पड़ता है। उसके बाद होता है आपका स्मूथनेस, जो सरफेस आपका है करंट कलेक्टर का, और जो स्वीवलिंग एंगल है। स्वीवलिंग एंगल पता क्या होता है, जैसे अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर फिक्स करना है तो आप क्या करते हो कि एक मेटल का स्ट्रिप होता है उसके ऊपर रख करके नट बोल्ट टाइट करते हो, तो और उसके ऊपर आपका एंगल फिक्स होता है ना। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक स्वीवलिंग एंगल का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे दरवाजे में जो कब्जा आप लगाते हो, दरवाजे में जो कब्जा लगाते हो तो क्या करते हो कि दरवाजे के अंदर में एक साइड आप बोल्ट फिक्स करते हो और दूसरे साइड में आपका दरवाजा फिक्स होता है, तो वो भी एक स्वीवलिंग एंगल ही तो हुआ ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका एक फिक्स हो गया और दूसरा जो पल्ला है दरवाजे का वो घूम रहा है। वैसे ही पेंटोग्राफ में भी होता है, पेंटोग्राफ में आपका एक बेस पर आपका स्वीवलिंग एंगल फिक्स होता है, दूसरे पर आपका मूवमेंट होता है। तो उसका स्मूथनेस हमें जो है वो चेक करना होता है, और करंट कलेक्टिंग सरफेस का भी हमें एक जो आपका है स्मूथनेस चेक करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेजरिंग द थिकनेस। जो थिकनेस है आपके कार्बन स्ट्रिप का वो हमें चेक इसलिए करना है क्योंकि थिकनेस पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपका करंट कलेक्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम कार्बन स्ट्रिप का थिकनेस भी हम चेक करें। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो कार्बन स्ट्रिप को आप रिमूव करिए, आप उसको रिप्लेस करिए नए कार्बन स्ट्रिप से। ठीक है, तो ये आता है आपका चार पॉइंट अंडर द मेंटेनेंस ऑफ कार्बन स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपका कार्बन स्ट्रिप का मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ पेंटोग्राफ। अब ये क्या होता है स्टैटिक बैलेंसिंग। अब जैसे पेंटोग्राफ जो बेटा आपका है ना, वो आपका ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, यही है पेंटोग्राफ आपका, है ना।
तो हमें ये देखना है कि ये हर एक कंडीशन में है ना, ये आपका हर एक कंडीशन में आपका जो पेंटोग्राफ है वो बैलेंस कंडीशन में रहे। जैसे ये पेंटोग्राफ अगर आपका उठता है इस तरीके से और नीचे में जैसे आपका ये है, तो हमें ये देखना है कि हर एक कंडीशन में ये स्ट्रेट रहे, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग कंडीशन। तो इसको करने के लिए क्या होता है, अब जैसे स्टैटिक बैलेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि ये जो हम 7 kg का हम अपवर्ड फोर्स जो है आपका पेंटोग्राफ अप्लाई करता है कॉन्टेक्ट वायर के ऊपर, तो अब हम आज अगर हमको उसको मान लीजिए मेंटेनेंस शेड में अगर चेक करना है या फिर आपका कहीं अगर ऐसा मेंटेनेंस एरिया है जहाँ पे उसको चेक करना है, तो हम क्या करते हैं कि 7 kg का वजन जो है पेंटो पैन पे रखते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं पेंटो पैन, है ना। तो 7 kg का वजन हम पेंटो पैन पे रखते हैं और 5 kg पर मीटर स्क्वायर जो आपका एयर प्रेशर है, ये 2 नहीं है बेटा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़िएगा, वो एक्चुअली टाइप करने में पावर नहीं जा पाया, मतलब ये है आपका 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इतना हम एयर प्रेशर जो है हम देते हैं। उसके बाद हम जो है पेंटोग्राफ का बैलेंसिंग जो है हम चेक करते हैं 2 मीटर पे, 1.75 मीटर पे, 1.5 मीटर पे, 1 मीटर पे और 0.5 मीटर पे। मतलब आप पहले क्या करोगे, 7 kg का वजन रखोगे पेंटो पैन पे और 5 kg पर मीटर स्क्वायर का आप एयर प्रेशर दोगे। उसके बाद वो पेंटोग्राफ का आप हाइट देखोगे कि 0.5 मीटर पर उसका बैलेंस क्या था, 1 मीटर पे क्या था, 1.5 मीटर पे क्या था, 1.25 मीटर पे क्या था और 2 मीटर पे क्या था, ठीक है। और हम क्या करते हैं, और हर एक कंडीशन में देखिए ये स्क्रू का पोजीशन है सी डी सी एफ और ई, है ना। तो ये चारों पोजीशन पे हम स्क्रू का हम टाइटनेस भी चेक करते हैं कि उस कंडीशन में स्क्रू के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, बारी बारी से हम रेगुलेट करते हैं, मतलब स्क्रू को टाइट और लूज करके हम चेक करते हैं कि कितना टाइटनेस रिक्वायर्ड है स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब तो आप जानते हैं ग्रीसिंग होता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, बॉल बियरिंग जो आपका है जहाँ जहाँ मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर बॉल बियरिंग का ग्रीसिंग हम चेक करते हैं, अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें हम ग्रीसिंग करते हैं। उसके बाद सर्वो मोटर का पिस्टन, जो सर्वो मोटर का मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सर्वो मोटर के अंदर एक पिस्टन होता है जो मूव करता है, तो उसका जो है हम उसका पैकिंग चेक करते हैं। अगर उसके पिस्टन में ग्रीसिंग रिक्वायर्ड है तो हम उसका लुब्रिकेशन करते हैं। आर्टिकुलेशन और थ्रस्ट रॉड, जो थ्रस्ट रॉड आपका पुश करता है अपर आर्म को, है ना, उसका हम आर्टिकुलेशन चेक करते हैं कि वो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसको थ्रस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर पिन जॉइंट्स का हम चेक करते हैं, प्लंजर्स का चेक करते हैं और थ्रॉटल वाल्व जो होता है वो आपका जो होता है वो एयर प्रेशर का जो आपका जो है उसको हम चेक करते हैं। थ्रॉटल वाल्व जो होता है वो एयर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए होता है, तो वो हम चेक करते हैं, उसका लुब्रिकेशन चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पेंटोग्राफ, मतलब पेंटोग्राफ जो है जैसे एक टाइम रिक्वायर्ड होता है पेंटोग्राफ को ऊपर जाने और नीचे जाने में, तो हमें ये देखना होता है कि जब हम पेंटोग्राफ को रेज कर रहे हैं तो 6 से 10 सेकंड के अंदर वो हमारा पेंटोग्राफ जो है वो टच कर जाना चाहिए, और जब हम पेंटोग्राफ को नीचे कर रहे हैं तो 10 सेकंड के अंदर अंदर वो हमारा पेंटोग्राफ नीचे जाना चाहिए जब हम उससे प्रेशर बाहर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो आपका एयर प्रेशर है हम वो देते हैं रेजिंग टाइम पे। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है पेंटोग्राफ को ऊपर जाने में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एयर प्रेशर को हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो 10 सेकंड के अंदर अंदर वो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि राइजिंग टाइम और फॉलिंग टाइम दोनों हम चेक करते हैं, उसको हम रेजिंग और लोअरिंग बोलते हैं। तो ये हमें चेक करना होता है कि पेंटोग्राफ जो है वो प्रॉपर ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद आता है लोड ऑन रबर स्टॉप। रबर स्टॉप जो आपका है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि इंसुलेटर के ऊपर एक रबर स्टॉप होता है ना, तो वो रबर स्टॉप जो है एक प्रॉपर लोड बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी, अगर नहीं होगा तो आपका जो पूरा लोड है वो इंसुलेटर के ऊपर पड़ेगा, इंसुलेटर आपका डैमेज हो सकता है। तो हमें क्या चेक करना है कि जब पेंटोग्राफ लोड पोजीशन में जब नीचे है, पूरा वजन जब पड़ रहा है हमारे बेस पर, उस टाइम पे हमारा रबर स्टॉप काम कर रहा है ठीक से कि नहीं कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ लिखा भी है कि दिस टेस्ट इज टू बी कैरिड आउट ऑन द पेंटोग्राफ एट द लोवेस्ट और द रेस्ट पोजिशन, क्योंकि जब पूरा वजन पड़ेगा रबड़ के ऊपर तभी तो पता चलेगा कि रबड़ आपका जो है वजन सह रहा है कि नहीं सह रहा है, ठीक है। और इसका जो है 15 kg जो है मिनिमम होना चाहिए आपका
बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रबड़, जो आपका रबड़ स्ट्रिप जो है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है कि टू चेक द हॉरिजेंटलिटी ऑफ द पेंटो पैन। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर अभी तो आप बताए कि बैलेंसिंग का बता रहे थे आप, हॉरिजेंटलिटी मतलब क्या? हॉरिजेंटलिटी मतलब ये होता है कि बैलेंस एक अलग चीज़ है। बैलेंस मतलब ये है कि प्रॉपर, कि जब आप लोड दे रहे हैं तो वो लोड सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा, बैलेंसिंग का मतलब। और आपका जो हॉरिजेंटलिटी का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये आपका जो स्ट्रेटनेस है पेंटोग्राफ में, ये आपका होना चाहिए जब हम हॉरिजेंटलिटी की बात करते हैं तो, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। और बैलेंसिंग का मतलब होता है कि देखिए, अगर ये स्मूथ नहीं है फिर भी ये बैलेंस हो सकता है। बैलेंस का मतलब ये है कि इधर और इधर का जो नीचे जाने का है वो एक ही साथ हो और एक ही साथ ऊपर हो। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये इम्बैलेंस कंडीशन हुआ। तो अनस्मूथ सरफेस भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो बैलेंसिंग एक अलग चीज़ हो गई, स्मूथनेस हो गई, इसके सरफेस की स्मूथनेस हम चेक कर रहे हैं, है ना, कि जितना स्मूथ चाहिए। क्योंकि अगर स्मूथनेस नहीं होगा तो जब वो कॉन्टैक्ट वायर से टच करके और स्लिप करके बाहर निकलेगा तो स्पार्किंग होगी, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑफ प्लंजर रॉड, जो आपका प्लंजर रॉड है उसका हम ऑपरेशन चेक करते हैं। और लीक टेस्ट ऑफ सर्वो मोटर, मतलब सर्वो मोटर में जब हम जैसे मान लीजिए कि आप तो बल्ब से प्रेशर दे रहे हो, पाँच, जो आपका 5 सेंटीमीटर का जो है 5 kg/cm² का, तो हम ये चेक करते हैं कि एयर तो लीक नहीं कर रहा उसमें से, ठीक है। तो ये भी मेंटेनेंस का आपका पार्ट होता है इसमें से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसवर रिजिडिटी ऑफ पेंटोग्राफ आर्टिकुलेटेड सिस्टम। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। हम ये देखते हैं कि पेंटोग्राफ जो है लोड आने के बाद नीचे की तरफ कितना झुक जाता है, क्योंकि जब आपका पेंटो जब आपका लोकोमोटिव चलता रहेगा तो कुछ लोड पड़ेगा उसके ऊपर। तो हम ये चेक करते हैं कि जब हमारा पेंटोग्राफ अपने नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, मतलब जितना एंगल उसको चाहिए उतने एंगल पे वो खड़ा हो गया, उसके बाद जब हम उसको लोड देते हैं तो कितना वो नीचे की तरफ लपना शुरू हो जाता है, झुकना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पेंटोग्राफ को हम 1.5 मीटर की हाइट पर हम उसको रेज करते हैं। ये आपका टेस्टिंग सेंटर है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इस पे, ये आप देख रहे हैं वजन, यहाँ से हम क्या करते हैं पेंटोग्राफ को वजन देते हैं, ये इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो अब उसका जो होता है 50 kg से हम, 50 kg का आपका वजन हो तो उससे हम खींचते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 36 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका 36 mm से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इससे नीचे जो है हम उसको नीचे खींच करके हम फिर चेक करते हैं कि कितना वो लप रहा है नीचे की तरफ, है ना। क्योंकि अगर वो ज़्यादा लपेगा तो आपका ये जो अपर आर्म है इस पे जो है लोड पड़ेगा और अपर आर्म टूट सकता है आपका। तो ये भी बियरिंग कैपेसिटी हमें चेक करनी है ना। तो देखिए ये है आपका वजन यहाँ पर है और यहाँ से हम रोप से उसको खींचना शुरू करते हैं। ये इंडिकेटर है और ये आपका पुली है, ठीक है। तो ये फिगर आपको नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है, मतलब दिखाया आपको कि सेटअप कैसा होता है आपका। तो कल होकर के मान लीजिए अगर आप लोकोमोटिव में जॉब करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब जैसे अगर आप टेस्ट सेंटर में गए जहाँ मेंटेनेंस होता है, तो ये सब देख कर करके ना हल्का सा दिमाग में एक इमेज रहेगा आपके कि अच्छा ये जो चीज़ है ये है, ये चीज़ ये है। यही मेरा मेन मकसद होता है ये सब फ़ोटो दिखाने का, जबकि ये फ़ोटो हो सकता है आपको बुक में ना मिले, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये होता है कि आप लोग पढ़ो तो केवल ऐसे मत पढ़ जाओ कि कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस का मतलब कहाँ यूज़ होता है एक बार विजुअल दिमाग में आ जाएगा तो पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसवर रिजिडिटी जो हम उसमें चेक करते हैं। उसके बाद है आपका कि अगर हम पेंटोग्राफ का मेंटेनेंस करते हैं तो क्या वो वजह है जिसकी वजह से हमारा पेंटोग्राफ जो है वो ख़राब होता है। इंटेंगलमेंट का मतलब होता है हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं नाजुक। ये आकार उकार आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी हमारी तंग है। नाजुक स्थिति मतलब होता है कि किसी चीज़ का क्रिटिकल कंडीशन, मतलब वो ख़राब कैसे होता है, इनडायरेक्टली ये समझ लीजिए। तो पेंटोग्राफ के ख़राब होने की वजह क्या हो सकती है, क्या क्या वजह है जो रिस्पॉन्सिबल है पेंटोग्राफ के ख़राब होने के लिए, ठीक है। तो रीजन जो है आपके वो तीन है, तीन मेनली हैं। OHE डिफेक्ट, मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट या तो डिफेक्ट हो, या पेंटोग्राफ में खुद का डिफेक्ट हो, या बाहर से कोई एक्सटर्नल रीज़न हो उसके लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें OHE डिफेक्ट्स में सबसे पहले आता है कि टर्न आउट या क्रॉस ओवर पे, है ना, ये जो लिखा हुआ है टर्न आउट या क्रॉस ओवर पे
अगर आपका एडजस्टमेंट सही ना हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका पेंटोग्राफ जो है टर्निंग पर टेढ़ा हो सकता है, टर्निंग पे टेढ़ा हो सकता है। अगर आपका प्रॉपर कॉन्ट्रावर्ट का एडजस्टमेंट नहीं है तो उस टाइम पर आपका जो पेंटोग्राफ है वो टेढ़ा हो सकता है, या फिर आपका जो है एक साइड वो झुक सकता है। तो ये भी एक रीज़न है, ओएचडी डिफेक्ट्स अगर ऐसा है तो ये आपका पेंटोग्राफ को डैमेज कर सकता है। उसके बाद है मैल फंक्शनिंग ऑफ एटीडी, ऑटो टेंशन डिवाइस। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ऑटो टेंशन डिवाइस हम यूज़ करते हैं टू मेंटेन द एक प्रॉपर सैग हम मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्ट वायर में। तो अगर आपका एटीडी सही से नहीं काम कर रहा है तो क्या होगा, आपका सैग इम्प्रॉपर होगा। अगर सैग इम्प्रॉपर होगा तो क्या होगा, जब आपका, क्योंकि जब आप 7 kg का वजन जब ऊपर वो पेंटोग्राफ देगा कॉन्टेक्ट वायर के ऊपर, और अगर सैग उसका प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, तार भी उसके ऊपर एक इनिक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका पेंटोग्राफ, जैसे अभी हम लोगों ने ट्रांसवर्स टेस्ट किया है तो हो सकता है कि पेंटोग्राफ कुछ कुछ टाइम के बाद वो ट्रांसवर्स जो 36 mm का है उस वो बढ़ जाए, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका अपर आर्म का जो जो पाइप है वो हो सकता है टूट जाएगा, बेंड कर सकता है वो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मैल फंक्शनिंग ऑफ एटीडी जो है ये भी हम चेक करते हैं। और ये भी एक रीज़न है ओएचई में जिसकी वजह से आपका जो है पेंटोग्राफ जो है वो खराब हो सकता है। उसके बाद आता है आपका फेल्योर ऑफ मैल फंक्शनिंग ज्वाइंट्स ऑफ कंडक्टर, मैनुफैक्चरिंग ज्वाइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट वायर। ये क्या होता है, मैनुफैक्चरिंग ज्वाइंट क्या होता है कि जो आप तार मैनुफैक्चर करते हो तो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली मैनुफैक्चरिंग ज्वाइंट्स होते हैं, है ना। वो ज्वाइंट्स वो वाले ज्वाइंट्स नहीं हैं जो हम दो अलग अलग तार को जोड़ते हैं, एक ही वायर में ज्वाइंट्स हो सकते हैं क्योंकि आपको बहुत लंबा कंडक्टर वायर बनाना है तो बीच में कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट्स आ ही जाते हैं। तो उससे क्या होता है, स्नैपिंग ऑफ कॉन्टेक्ट वायर। स्नैपिंग मतलब होता है कि आपका जो कॉन्टेक्ट वायर है वो कहीं से एक बार टूट जाना, है ना, कहीं से टूट जाएगा। अब टूटेगा तो क्या होगा कि आपका, अब वही बात आ जाती है कि आपके ऊपर जो पेंटोग्राफ का फोर्स है वो प्रॉपर लगे हुए होना चाहिए। तो अगर स्नैपिंग होता है तो उस टाइम पे भी पेंटोग्राफ जो है आपका इम्प्रॉपर फोर्स और बैलेंस की वजह से वो भी आपका डैमेज कर सकता है। उसके बाद आता है डैमेज ओएचई कंपोनेंट। अगर आपका कोई भी ओएचई कंपोनेंट, जैसे अगर आपका पीजी क्लैंप है, स्प्लाइसेज है, बोल्ट्स है, अगर ये सब हो गया, या फिर अगर आपका फ्लैश ओवर अगर हो जाता है इंसुलेटर में, उस केस में भी आपका पेंटोग्राफ जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है आप चाहें तो स्केप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि अगर इसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोको शेड रीजन में लोकोमोटिव को ले जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे ऊपर में कोई कॉन्टेक्ट वायर नहीं है, और अगर आपका पेंटोग्राफ उसी कंडीशन में ऊपर रह गया तो क्या होगा, जैसे ही वो तार से कॉन्टेक्ट छूटेगा पेंटोग्राफ बहुत तेज़ी के साथ और ऊपर की तरफ जाएगा तो वो डैमेज हो सकता है ना। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, प्रॉपर हम उसमें कॉशंस रखते हैं जब हम लोको पैड को हम बताते हैं कि आगे कॉन्टेक्ट वायर नहीं है इसलिए आप अपना पेंटोग्राफ लोअर कर दीजिए और आराम से लोको शेड में इंजन जो है आराम से चली जाती है अंदर की तरफ। उसके बाद है कि पेंटोग्राफ में क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, स्प्रिंग बॉक्स फेल्यूर हो सकता है। स्प्रिंग बॉक्स जो होता है, क्या होता है आपका उसमें जो आपका नीचे की तरफ जो आपने स्प्रिंग देखा है अगर वो बॉक्स फेल कर जाए, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, सिलेंडर है और वेल्डिंग पोर्शन ऑफ स्टडी लिंक है और इसमें सिलेंडर सपोर्ट और सब माउंटिंग असेंबली, इन सब चीज़ों का हम डाई पेनिट्रेशन हम टेस्ट करते हैं कि आपका जो बिल्कुल अगर डाई सिचुएशन है तो उसमें जो है वो कितना बियरिंग कैपेसिटी हो सकता है उसके अंदर। उसके बाद प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ प्लंजर जो है वो हमें देखना इसलिए होता है क्योंकि अगर प्लंजर अगर प्रॉपर इंसुलेटेड प्रॉपर लुब्रिकेटेड नहीं है तो क्या होगा कि पेंटो पैन पे जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, आपका जो है जो आपका पेंटोग्राफ है वो फिर नीचे की तरफ लपना शुरू हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आना ऐसे शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए एक्चुअली क्या स्पीड होता है 100 किलो स्पीड इतनी ज़्यादा होती है आपकी लोकोमोटिव की, अभी आपको देख के लग रहा होगा ये सब क्या इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा स्पीड हो 100 120 200 के आसपास उस टाइम पर ये सब बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या है, इम्प्रॉपर स्टैटिक फोर्सेस ऑन ओएचई, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका स्टैटिक फोर्स 7 kg होना चाहिए। अगर ये स्टैटिक फोर्स 7 kg आप मेंटेन, स्टैटिक फोर्स मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स आप लगा रहे हो, है ना, अगर ये 7 kg नहीं होगा, कम होगा, तो क्या होगा कि आपका पेंटोग्राफ ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये तार तो अपना उतना ही वजन लगा रहा है
और नीचे से आप वजन कम लगा रहे हो, तो क्या होगा, पेंटोग्राफ जो है बार बार टकराए, वो जो है आपका तार में टकराएगा और फिर ऑसिलेट करेगा ऐसे ऊपर नीचे करके, तो उस केस में भी आपका जो जॉइंट्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद क्या है कि मिसिंग पिंस एंड फास्टनर, मतलब कि जहाँ जहाँ कहीं पिंस आपने लगाया है या फिर फास्टनर्स लगा रखा है, अगर वो भी अगर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे भी पेंटोग्राफ में डिफेक्ट आ सकता है। 60 डिग्री ये जो लिखा है, आपने ऐसा पिन देखा है कहीं, ऐसे करके ये पंखे वंखे में लगा होता है, ऐसे करके ये पिन लगा होता है ना, पंखा का कभी ऊपर खोल के देखना आप, जो पंखे की डंडी होती है ना वहाँ पर ये लगा हुआ होता है, और हम ऐसे जो टेढ़ा करते हैं, तो हम लोग तो क्या है कि नॉर्मल पर्सन है तो हम लोग कैसे भी कर, लेकिन प्रॉपरली 60 डिग्री पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट है तो ये पिन जो है ना, ये पिन जो है वो बाहर निकल सकता है और इसकी वजह से आपका जो फिटिंग है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्रैक्स इन मैकेनिकल पार्ट, ये ऑब्वियस है, अगर कोई भी मैकेनिकल पार्ट है, जैसे अगर आपका अपर आर्म ले लें, लोअर आर्म ले लें, अगर वहाँ भी अगर क्रैक आ रहा है तो वो भी आपका पेंटोग्राफ को डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है वर्किंग आउट ऑफ बेस इंसुलेटर बोल्ट, जहाँ पे आपने इंसुलेटर लगा रखा है अगर उसका बोल्ट बाहर निकल जाए तो उस केस में भी क्या होता है, आपका पेंटोग्राफ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और वो भी आपका एक इंटेंगलमेंट का रीज़न हो सकता है। इम्प्रॉपर लेवलिंग ऑफ पेंटो पेन, जैसे अभी हमने आपका लेवलिंग अभी चेक किया, अगर वो प्रॉपर लेवलिंग नहीं है तो क्या होगा, आपका पेंटोग्राफ जो है एक तरफ ज़्यादा झुक जाएगा, अगर लेवलिंग नहीं होगी जैसे आपका यह का पेंटोग्राफ अगर आपका है, लेवलिंग नहीं होगी तो ये क्या होगा, यहाँ ऐसे और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उस केस में भी आपका पेंटोग्राफ पे क्या होगा कि इम्बैलेंस होकर के एक आर्म पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे पे कम, और आपका आर्म जो ट्विस्ट कर सकता है। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओएचई कॉज बाई मास डिफ्लेक्शन ड्यू टू विंड, मतलब कि आंधी की वजह से अगर कोई आपका ओएचई का पार्ट अगर मिस कर गया है, डिस्प्लेस कर गया है, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर बाहर से अगर कोई जानवर है या फिर चिड़िया है ना, तो ये सब भी अगर मतलब एक रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पेड़ गिर जाए तार के ऊपर, चोरी हो जाए, या फिर अगर आपका ट्रैक अलाइनमेंट ही चेंज कर जाए, तो उस केस में भी आपका पेंटोग्राफ जो है, अगर ट्रैक अलाइनमेंट चेंज हो गया तो क्या होगा कि आप अपने ट्रैक अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहे हो और ट्रैक का जो मतलब अगर अलाइनमेंट मतलब क्या हुआ, सीधा जाना है और वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो क्या होगा कि आपके पेंटोग्राफ पे और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में जो फोर्स कॉन्टैक्ट है वो तो हट गया, अब इम्बैलेंस हो जाएगा आपका पेंटोग्राफ। तो ये सब रीज़न होते हैं कि आपका पेंटोग्राफ जो है वो डिफेक्टेड कंडीशन में आ सकता है। तो ये लेक्चर का दो पार्ट था, एक पार्ट था मेंटेनेंस हम क्या करते हैं, और दूसरा ये था कि वो कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हमारा पेंटोग्राफ डैमेज हो सकता है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, एक क्वेश्चन बनता है कि मेंटेनेंस क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस कंडीशन में हमारा पेंटोग्राफ जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई इतना टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ, बस आपको समझना है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। और मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं अब तक ये पूरे लेक्चर में, ये पॉइंट्स काफ़ी होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।